हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम इसमें बात करने वाले हैं यार कि अगर आपका प्रमोशन C2 से C3 ए बैंड पे होता है TCS में तो आपको कितना परसेंट हाइक मिलेगा। ठीक है, सो देखिए यार, मैं पिछले साल भी कवर किया था और आज इस साल भी कवर कर रहा हूँ। सो जितने भी प्रमोशंस हुए हैं मैंने सबको कवर किया है, तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया है कि यार C2 टू C3 ए बैंड पे जाने के लिए प्रमोशन जब आपका होता है C2 टू C3 ए, उस टाइम पे आपको 14 to 15% हाइक मिलता है। ठीक है, जो कि ITA के ही बराबर है। जैसे कि ITA का जब आपने देखा होगा, मतलब आपका खुद का जब प्रमोशन हुआ होगा तो 14 to 15% हाइक मिला होगा आपको। रिसेंटली लास्ट ईयर भी ये 14 से 15% मिला है, इस साल भी अभी जुलाई में अगस्त मंथ में हुआ है तो उसमें भी यही प्रमोशन देखने को मिला है। 15% 14% उससे ज़्यादा नहीं मिला है। तो आपको आइडिया अब लग जाएगा यार कि आपका जब प्रमोशन C2 टू C3 ए होता है तो उस टाइम पे आपको 15% मान के चलिए कि आपको प्रमोशन के टाइम पे मिल जाएगा। अब आपका पैकेज जितना होगा उसमें आप आइडिया लगा लीजिए, हिसाब लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना हाइक आपको मिलने वाला है। सो आई होप आप सबको इस वीडियो में आंसर मिल चुका होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।